मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और मैं इस तरीके से रात को ये ब्रश करने से वैसे तो अभी तबियत, अरे बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, बाबूजी कह रहे सवेरे सवेरे मॉर्निंग यानी कि वापसी हो गई है। और ब्रश कर लेते हैं फिर उसके बाद धुलाई वुलाई कर लेंगे। वैसे तो सवेरे से उठे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीठ सवेरे की वजह से आज ही आना था उसको भी, मतलब दिमाग ही खराब हो गया। तो मम्मी बोली पहले दवाई खा लो, तो मैं सोच रही नहा ही लूँ उससे पहले, तो ब्रश वगैरह कर लेते हैं, नहा लूँ दवाई खा लूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो काम वाम हो जाएगा, नहीं तो मैं कहीं और लुड़की रहूँगी, कहीं वहाँ लुड़की रहूँगी। हंसने का मन भी नहीं कर रहा, बहुत जोर दर्द कर रहा है। चलो मेरा स्टे ट्यून करते हैं, अभी धुलाई वुलाई भी करनी है, और कुछ सामान वगैरह जो तोरण वगैरह बनाया था वो भी मैं दिखा दूँगी, जो पहले से बना के रखा था अभी नहीं बनाया था, तो वो लगा लेते हैं। लटकने वाला जो दीवार के किनारे होता है ना वो भी लगाएंगे, अभी निकालेंगे उसको, मैंने ऐसे बक्से में रख दिया था, तो नहा गया दवाई खा लूँ फिर उसके बाद उसको निकालूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। मैंने वो चैनल में पड़ा हुआ है पहले के, तो अभी अभी बात करते हैं ठीक है। मैं आ गई हूँ सामान निकालने के लिए, और ये मैंने तोरण बनाया था, इसका चैनल जो मतलब वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोडेड है। तो अब एक तो जो मैंने बनाया था अभी रिसेंटली वो तो मैंने सिस्टर के अभी जवा दिया, बाकी ये मैं अपने यहाँ लगाऊंगी। इसके अलावा एक और तोरण बनाया था, ये नेट पर बनाया था और इसका भी वीडियो अपलोडेड है। ऐसे दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन है, इसको मैं दरवाजे पर लगाने जा रही हूँ, और इसके ऊपर लगा देंगे वो गेंदा और क्या होता है आम का पल्लू का जो वो तोरण टाइप का बनता है ना, वो देसी वाला जो हम लोग का होता है, बहुत ज़रूरी जो होता है, वैसे तो बेसिकली वही लगाना चाहिए, लेकिन जो आपको मिल जाए वो लगा लो, ना हो तो वो तो ज़रूरी लगाओ। मैंने फ्लावर मंगाए हैं, अभी फूल आए नहीं है, एक लोगों से कह दिया था वो दे जाएंगे। हाँ आम के पत्ते बाबू से तुड़वा के रख लिया था क्योंकि उसे घर जाना था, तो वो बना लेंगे जब आएगा, तब तक इसको ला के लगा देते हैं। और दिया लाए थे उसको कलर करना है, कलर भी लेते जाएंगे, चार पांच कलर मिक्स करके अलग अलग कर देंगे। और एक थोड़ा स्टैंड टाइप का था, उसमें चार दिए लगे हुए थे, अभी मैं कलर लेके जब जाऊँगी तो दिखा देती हूँ आपको वो कैसा दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ तो हम अपना सामान बनाए लगाए भी नहीं क्या, रहने दो, हाँ इसको भी लटका दो इसे, आ रहे आ रहे, हाँ खोल दो, वैसे उसकी अब जरूरत है नहीं। हमने रंगोली चिपका दी रेडीमेड वाली, और यहाँ हमने बनाई है रंगोली, और ये चीकू है, इसलिए हम लोग कुछ लाए तो नहीं थे, मतलब कपड़े खरीद के नहीं लाए थे, तो हम जा रहे हैं चीकू कपड़े खरीदने, सिर्फ चीकू के लिए आएंगे, बाकी हम लोग तो जो है उसी में काम चला लेंगे। हाँ कुछ नहीं लाया मम्मी, सिर्फ मिठाई लेके आए, लगे लेके चला आया। ये पगला बच्चा बैठ गया, एक खाली सीट पर अकेले बैठेगा है ना, और गिर गए तो लाइटिंग लगने के बाद वैसे भी अच्छा लगता है, यहाँ सब अंधेरे अंधेरा हो रहा है। देख रहे हो चीकू कितनी सारी बजारे लगी हैं यहाँ पे, सब बजारे तो लगे हैं और सब चीजें लगी हुई हैं, खीले खिलौने बताशे लक्ष्मी गणेश, देखे देखे कि नहीं देखे, भीड़ है अभी बाजार में, अभी लोग पूजा के लिए निकले नहीं है, मतलब ले रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम ही तो बेवकूफ नहीं है और भी लोग। नहीं करना चाहिए ऐसा, एंड टाइम वाले बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत से काम एंड टाइम पर होते हैं, क्या करे यार, जिसको अकेले करना होगा तो क्या करेगा, छुट्टी फूका नहीं जाता, फूकने से भाप लगता है। ये देखो भैया चिकू ने न्यू कपड़े पहन लिए हैं, और यहाँ पे तैयारी भी हो गई है, छोटे से लक्ष्मी गणेश जो है जो कि दिखी नहीं रहा है कि रखे भी है, हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, बेसिकली यही पूजा करने जा रहे हैं। ये लो ये आग है, हाँ अभी नहीं पता चला था तुम्हें, क्या ये आग ही है, आग आग आग। और आप सभी लोगों को भी बोल देती हूँ मैं अपनी तरफ से, हैप्पी दीपावली, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी तेरी, तो एरी तक गधे के तुम्हारा ना पिछड़ा सुझाना पड़ेगा, रुको, एक बच्चा छुप रहा है यहाँ पे, एक बच्चा छुप रहा है, छुप रहा है, एक बच्चा फिर से छुप रहा है, एक बच्चा फिर से छुप रहा है, छुपते भी ऐसी जगह पे जहाँ पे सब लोग तुम्हें देख लेते हैं, अब कहाँ जाओगे, अब बताओ कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, दरवाजा भी बंद, कहाँ जाओगे, खोल दो, कहाँ फंसे जा रहे, देखिए जा रहा है,
खाना भी हमारा बन चुका है, पनीर की सब्जी बना ली है, पूरी बना रही है पूजा और पियेंगे। और आप सभी लोगों को फिर से बोल रहे हैं हैप्पी दीपावली, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी अपनी दिवाली एंजॉय कीजिए, गुड नाइट।